हेलो फ्रेंड्स, नंदनी कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती है। तो आज हम दाल को फ्राई करने वाले मूँग, तो मूँग की दाल को तो फ्रेंड्स हमने सामग्री के लिए एक मीडियम साइज सब्जी प्याज कट कर लिया, धनिया के पत्ती लिया है, दो मिर्च लिया है, चार से पांच हमने लहसुन के लिए लिए। मूँग की दाल को हमने उबाला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल देना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो हम उसमें जीरा डालेंगे। हमने आधा चम्मच के करीब जीरा लिया हुआ था फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा, हमने दिखाया था। तो चलिए जब हमारा जीरा चटकने लग जाएगा तो अब हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च, जो हमने दो से तीन कट की हुई थी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार दाल को ज़रूर फ्राई करके देखें, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है फ्रेंड्स इस तरीके से फ्राई करने पर। फ्रेंड्स हमने प्याज नहीं डाला है, अगर आपको प्याज पसंद है तो प्याज भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिर्ची हमारा ब्राउन हो गया, हमने चार से पांच लहसुन की कलियाँ ली थी कूट करके, तो फ्रेंड्स उसे डाल देते हैं। लहसुन को भी हमें ब्राउन होने तक भूनना है क्योंकि उसका टेस्ट हम तेल में आ जाना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें चार से पांच करी पत्ते को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम इसे भी पका लेते हैं। तो अब हम इसमें टमाटर डालें, एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक कट कर लिया हुआ था। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसे चला लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए हम डाल देते हैं इसमें नमक, डाल देते हैं स्वाद अनुसार। तो हमने हाफ चम्मच नमक लिया हुआ है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे चला लेते हैं, पका लेते हैं अच्छी तरीके से। लगभग हमारा प्याज मसाला पक चुका है, टमाटर। तो अब हम इसमें धनिया की पत्ती को डाल देते हैं। अब हमने जो दाल को उबाला था, मूंग की दाल को फ्रेंड्स हमने उबाला था सिर्फ हल्दी डाल के। तो चलिए अब हम इसे बॉयल होने तक पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करना, ट्राई करके बताना कि कैसी लगी दाल फ्राई। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं इसको बॉयल होने का। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कैसी लगी फ्राई दाल। मूंग की दाल को इस तरीके से फ्राई करने से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे आप पूरी के साथ खा सकते हैं, दाल साथ चावल के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी, कैसे भी इसे आप खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स, एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करें फ्रेंड्स।